हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम 12th क्लास में एलिमेंट बुक में से 7.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। क्या है? इफ़ हमें एक फंक्शन दिया गया है, क्या है, x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई, ठीक है। और हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो प्रूव करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई लॉग एक्स, ठीक है। अब ये देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, चलिए ऐसा करते हैं कि लॉग जो है वो अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लॉग भी चाहिए, है ना। तो लॉगरिथमिक अप्लाई कर दें तो उससे क्या होगा, पावर आ जाएगी आगे और लॉग ऑफ ई। नेक्स्ट स्टेप में ये लॉग ई क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। लॉग ऑफ ई तो वन होता है, इसको हम x बाय वाई लिख सकते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट जो है डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब अगर हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया तो log x का क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स, और उससे क्या होगा, log x हो जाएगा ख़त्म, जबकि हमें आंसर में log x चाहिए। दैट मीन्स कि हमें इसको प्रोटेक्ट करना होगा। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट साइड में से y को उठा के इधर ले आते हैं, जो कि इसके क्या हो जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं एक बार तो ये ज़रूर बचेगा। तो अब हम कर लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड आप लिखेंगे। उसके बाद अब देखिए, प्रोडक्ट लो लगा दें, फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, देन सेकंड सेम, देखिए आ गया ना लोग एक्स, फर्स्ट का डेरीवेटिव डिवाइड बाई डी एक्स, देन एक्स का डेरीवेटिव वन। अब ऐसा करते हैं, पहले ये जो वाई बाई एक्स है इसको उठा के राइट साइड में ले जाते हैं। तो ये क्या बन गया, वन माइनस वाई बाई एक्स, इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम लिया तो ये देखिए ये क्या बना, एक्स माइनस वाई, है ना। तो ये जो लॉग एक्स मल्टीपल में था वो इधर आकर राइट साइड में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो देखिए ये वही स्ट्रक्चर नहीं बन गया जो हमें चाहिए, है ना। तो जब भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा ध्यान से काम करना होता है, कि भाई क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उसको देखते हुए, ना कि अंधाधुन बस लग जाना है काम पे, है ना। फिर से देखिए, लॉग से रिलेटेड स्ट्रक्चर हमें चाहिए, दैट मीन्स कि लॉग अप्लाई कर देते हैं। तो लॉग अप्लाई करेंगे तो पावर आगे बेस लॉग के साथ लग जाएगा, है ना, वाई माइनस आके बेस लॉग के साथ। तो लॉग ई तो क्या होता है, वन होता है, तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है। अब फिर एक और बात अब नोटिस कीजिए, कि भाई एक्स दो जगह है ना, लेकिन जो चीज़ प्रूव करनी है, गौर दीजिए, क्या उसमें हमें एक्स है कहीं नज़र आ रहा है, नहीं है ना। तो दैट मीन्स कि हमें इस एक्स को, दो जगह जो एक्स है इनको करना पड़ेगा कंबाइन, और सिंगल टाइम करना पड़ेगा, ताकि जब इसका डेरिवेटिव करें तो वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, है ना। तो हम राइट वाले एक्स को उठा के इधर ले आए, वो हो गया प्लस में। अब इन दोनों में से हमने एक्स ले लिया कॉमन, क्या बच गया, वन प्लस लॉग वाई। और नेक्स्ट स्टेप में इस वन प्लस लॉग वाई को ले गए दूसरी तरफ। अब इससे क्या होगा, जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव तो वन हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा, बाकी इसका यू अपॉन वी वाले तरीके से डेरिवेटिव किया जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड हम लिखेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, वन। देखिए डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में वन का जीरो हो जाएगा, लॉग वाई का वन अपॉन वाई, लेकिन फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स, है ना, एंड देन होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वेयर, ठीक है। चलिए अब न्यूमरेटर में ब्रैकेट को कर देते हैं ओपन, उसकी वजह से कुछ कैंसिलेशन होगा। तो देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स जो है पहले वन से मल्टीप्लाई करेगा और फिर लॉग वाई से मल्टीप्लाई करेगा। तो वन से करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर लॉग वाई से कर रहा है तो लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस यहाँ तो वाई से वाई कट गया था, तो क्या बचा, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स। तो ये तो आपस में कट गए, तो क्या बच गया, फाइनली लिख देते हैं हम, या आप इसको इधर शिफ्ट कर ही दीजिए, ठीक है।
तो इधर शिफ्ट करने के बाद हमारे पास 1 प्लस log y होल स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ y मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स बचा, है ना। और अब हम इस डी log y को भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट साइड में, क्यों? क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। और गौर फरमाइए, देखिए यही तो हमें चाहिए था, है ना। बस वो लेफ्ट राइट में लिखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए लास्ट 10th क्वेश्चन करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी करके आ चुके हैं, बस वो प्लस माइनस और रूट की फॉर्म में था, और ये हमारे पास कुछ पावर्स की फॉर्म में है। देखिए क्या है, फर्स्ट पार्ट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x रेज टू पावर x रेज टू पावर x एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है ना इनफाइनाइट टाइम्स। और हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो प्रूव करना है। तो देखिए हम इस इनफाइनाइट प्रोसेस को क्या लिख सकते हैं, y, है ना। एक को छोड़कर हमने बाकी जो इनफाइनाइट प्रोसेस है उसको क्या बोल दिया, y बोल दिया। तो ये खुद की हेल्प से ऐसा लिखा जा सकता है ना। फ्रॉम 1 से ही हमने इसकी हेल्प ले ली। अब हम कर देते हैं लॉग अप्लाई, लॉग वाई। चलिए लेते हैं, लॉग अप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, वाई मल्टीप्लाई लॉग एक्स, है ना। अब ये देखिए कि यहाँ जो चीज़ हमें प्रूव करनी है, वहाँ कहीं पर भी लॉग के साथ वाई नहीं है, एक्स तो है लेकिन वाई नहीं है। दैट मीन्स कि हमें इसको अलग ही रखना पड़ेगा। इसका अब डेरिवेटिव स्टार्ट कर देते हैं, किसी को यहाँ पर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट सेम सेकेंड का डेरिवेटिव, देन सेकेंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। अब कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट में शिफ्ट, क्योंकि दो जगह आ गया है तो हमें तो सिंगल टाइम चाहिए वो, है ना। तो 1/y माइनस लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि दोनों में डी वाई बाई डी एक्स था वो ले लिया हमने कॉमन। और राइट साइड में क्या बच गया, वाई बाय एक्स बच गया, ठीक है। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। ऑलरेडी है, बस हमें क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है। तो डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई उधर जाकर इस वाई से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन गया वाई स्क्वेयर। और डिनोमिनेटर में एक्स ऑलरेडी है, और एक ये ब्रैकेट भी आ गई, क्या है ये चीज़ें। तो आप देखिए यही तो हमें रिक्वायर्ड है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही बन गया, है ना। तो ये था 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसका सेकंड पार्ट भी करना है, क्या है, वाई इज इक्वल टू कोस एक्स की पावर कोस एक्स की फिर से पावर कोस एक्स एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलती जा रही है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम लेकर चलेंगे, और वैसा ही पैटर्न हमें कुछ प्रूव भी करना है, ठीक है। सो हमने वाई इज इक्वल टू कोस एक्स की होल पावर क्या लिखी, वाई, किसकी हेल्प से, फ्रॉम 1 की हेल्प से, ठीक है। लॉग अप्लाई कर दें, लॉग वाई इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई लॉग ऑफ कोस एक्स। तो देखिए डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स, देन फर्स्ट सेम लॉग का 1/cos x कोस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। देन फिर एक्स का तो 1 ही होता है, इस बार लॉग ऑफ कोस एक्स सेम, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें ये डी वाई बाई डी एक्स जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट करनी पड़ेगी लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लें तो हमारे पास कुछ ऐसा बचेगा, और यहाँ बन गया माइनस वाई टेंजेंट एक्स, राइट। अब फिर से इस ब्रैकेट में हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है एग्जैक्टली जैसा फर्स्ट पार्ट था, माइनस वाई टेंजेंट एक्स। अब फाइनली हम क्या कर दें,
ये ब्रैकेट शिफ्ट, तो डिनोमिनेटर में जो वाई है वो तो इधर इस वाई से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर, और जो ब्रैकेट थी वो ब्रैकेट आ गई यहाँ पर डिनोमिनेटर में, है ना। अब तो ब्रैकेट आप लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो देखिए यही तो हमें चाहिए। ओके सो इसी के साथ अपनी ये जो एक्सरसाइज है 6th एक्सरसाइज वो थी कंप्लीट। सो आई होप आपको ये जो एक्सरसाइज है वो समझ आई होगी। किसी भी तरह का तो कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।